डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पिछले दिन क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में हम लोगों ने कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। चलिए, कैनिजारो अभिक्रिया में पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एसीटल डिहाइड। अभी इस बार हम लोग टॉपिक क्या दे रहे हैं, स्पेशल एसीटल डिहाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एसीटल डिहाइड किस कैटेगरी में आता है, तो एल्डिहाइड में आता है। किस कैटेगरी में आता है, एल्डिहाइड। ठीक है, ये जो एसीटल डिहाइड है वो एल्डिहाइड की कैटेगरी में आता है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो नंबर वन निर्माण। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि एसीटल डिहाइड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो लिखा जाए, निर्माण के नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसीटल डिहाइड का निर्माण होता है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एसीटल डिहाइड का निर्माण कैसे होता है। तो जब एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, ये देखिए एथिल अल्कोहल है। ठीक है, इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। अब इसको ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन का अगर एक एटम को के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन लिख कर और दोनों तरफ ब्रैकेट लगाते हैं। अगर नहीं तो ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में। लेकिन हम यहाँ ऑक्सीजन के एक एटम के साथ करा रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ ब्रैकेट दे दिए हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या बन रहा है, एसीटल डिहाइड। एसीटल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO। ठीक है, इसका नाम है एसीटल डिहाइड, CH3CHO प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे एसीटल डिहाइड और वाटर बनता है। एसीटल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO। इसको एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, एल्डिहाइड की कैटेगरीज में आता है। इसका नाम एसीटल डिहाइड है। ठीक है, तो निर्माण में याद रखिएगा कि निर्माण कैसे होता है, तो जब एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो एसीटल डिहाइड बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं गुण। पहला निर्माण था, दूसरा हम लोग देख पाते हैं गुण। ठीक है, तो गुण दिखा जाए, गुण वाले में, गुण में लिखा जाए, पहला गुण में एरो देकर लिखेंगे एसीटल डिहाइड के निम्नलिखित गुण हैं। एसीटल डिहाइड के निम्नलिखित गुण हैं, नंबर वन, पहला एसीटल डिहाइड का गुण, यह रंगहीन द्रव है। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं अधिकांशतः ऑर्गेनिक का कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक हमेशा रंगहीन ही होते हैं अधिकतर, तो पहला में रंगहीन द्रव है। दूसरा लिखा जाए, इसका क्वथनांक 294 केल्विन होता है। 294 केल्विन टेम्परेचर के बाद बोल रहा है, इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उबालने वाला को बोलते हैं क्वथनांक, उबाला जो जाता है ना उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो इसका क्वथनांक याद रखिएगा कितना होता है, 294 केल्विन। ठीक है, चलिए तीसरा लिखा जाए, थर्ड पॉइंट, इसमें एक विशेष प्रकार के दम घुटने वाली गंध पाई जाती है
गंध पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, एसिटाल्डिहाइड में ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि एसिटाल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, एसिटाल्डिहाइड का गुण क्या है। तो गुण के बारे में लिखें कि यह रंगहीन है, इसका क्वथनांक जो होता है वो 294 केल्विन होता है। और तीसरा में लिखे हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, और उस गंध को हम लोग श्वास के माध्यम से लेंगे तो हम लोगों को दम घुट सकता है, मतलब कि हानिकारक है। ठीक है, चलिए चौथा लिखेंगे। यह चौथा गुण, यह जल कोमा एल्कोहल, यह जल कोमा एल्कोहल और ईथर में विलेय होता है। ईथर में विलेय होता है, विलेय का मतलब घुलनशील होता है। ठीक है, किस में घुलनशील होता है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो किस में घुलता है। तो याद रखिएगा, जल में, अल्कोहल में और ईथर में। ठीक है, ये तीनों में क्या होता है, घुल जाता है। पांचवा गुण लिखेंगे, इसका घनत्व 0.801 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसका घनत्व कितना होता है, 0.801 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो एसिटाल्डिहाइड के बारे में पहला में हम लोग निर्माण देखें कि आखिर निर्माण कैसे होता है, दूसरा में लिखें कि इसका गुण क्या है, और अब हम लोग थर्ड में लिखेंगे कि आखिर एसिटाल्डिहाइड का उपयोग क्या है। तो अब उपयोग लिखेंगे, तीसरा नंबर उपयोग, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड के निम्नलिखित उपयोग हैं। एसिटाल्डिहाइड के निम्नलिखित उपयोग हैं। अब एसिटाल्डिहाइड के क्या क्या उपयोग हैं, तो निम्नलिखित हैं। अब उसके नीचे नंबर वन लिखा जाए, तो नंबर वन में लिखा जाए एसिटाल्डिहाइड के उपयोग में, इसका उपयोग पहला में लिखेंगे, इसका उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। ध्यान रहे, एसिटाल्डिहाइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो व्यक्ति को नींद नहीं आता है तो उसे नींद लाने के लिए एक दवा, मेडिसिन लिया जाता है, उसमें एसिटाल्डिहाइड की मात्रा होती है। यानी कि एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, नींद लाने की क्षमता इसमें पाई जाती है। अगर नींद नहीं आ रहा है तो आप इस दवा का इस उपयोग बंद कर सकते हैं जो एसिटाल्डिहाइड का बना होता है। दूसरा रंगों के संश्लेषण में अब देख पा रहे होंगे, रंगों का संश्लेषण का मतलब ये हुआ कि संश्लेषण का मतलब होता है अवशोषण। ठीक है, रंगों का संश्लेषण का मतलब अवशोषण, यानी कि अगर मान लिया कि रेड कलर है, उसके कलर को थोड़ा सा रेडिस यानी कि हल्का लाल करने, या फिर उससे रिलेटेड, उस रंग से संबंधित हल्का या गहरा रंग बनाने में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है रंगों का संश्लेषण। ठीक है, फिर लिखा जाए थर्ड, ईंधन के रूप में याद रखें कि हम लोग इसको ईंधन का मतलब जलाने के फॉर्म में, जिससे हम लोगों को आग या उष्मा उत्पन्न हो। तो ध्यान रहे, एसिटाल्डिहाइड को हम लोग जला भी सकते हैं, जैसे कि LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस को हम लोग जला सकते हैं, वैसे ही ये एसिटाल्डिहाइड को भी हम लोग जलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का उपयोग था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नंबर फोर में अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है,
अब इस अभिक्रिया वाले में ध्यान देंगे कि हम लोग जो अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, तो इस अभिक्रिया में एसिटल्डिहाइड मेरा फिक्स रहेगा। अब एसिटल्डिहाइड का अभिक्रिया अलग अलग यौगिक या तत्व के साथ करा कर देखेंगे कि अगर किसके साथ इसका एसिटल्डिहाइड का अगर अभिक्रिया कराएंगे किसी तत्व या किसी यौगिक के साथ तो हम लोगों को क्या प्रतिफल बनेगा। तो सबसे पहला अभिक्रिया चौथा का पॉइंट ए, यानी अभिक्रिया देख रहे हैं एसिटल्डिहाइड का। अब इसमें बहुत तरह का अभिक्रिया होगा, तो पहला हम लोग देखेंगे क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन को हम लोग सूचित करते हैं Cl के साथ, ठीक है। तो ध्यान रहे हम लोग एसिटल्डिहाइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, तो लिखा जाए उसके नीचे एरो देकर, जब एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जब एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो 2,2-dichloro एसिटल्डिहाइड 2,2-dichloro एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या बनता है? 2,2-dichloro एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो कैसे 2,2-dichloro एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन देख पा रहे होंगे हम लोग, सबसे पहले एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO, ये हम लोगों को एसिटल्डिहाइड है, और इस एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे हम लोग किसके साथ, तो इस एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन का मतलब Cl2, क्लोरीन का मतलब Cl2, ठीक है। तो क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं Cl2, और Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, देख पा रहे होंगे C2,2-dichloro, तो 2,2-dichloro का मतलब क्या कि दो पर ही जुड़ेगा क्लोरीन, तो इस कार्बन से भी क्लोरीन जोड़ दिया, इस कार्बन से भी क्लोरीन जोड़ दिया, और ये दूसरा पोजीशन पे होना चाहिए, तो सी और यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए OH और H, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो पे हम लोगों को क्लोरो होना चाहिए, तो 1 और 2, अगर प्रिंसिपल चेन चुनेंगे तो 1 और 2 पे दोनों क्लोरो, ठीक है, 2,2-dichloro, और ये हम लोगों को एसिटल्डिहाइड बनेगा, तो इसी का नाम है दोस्तों 2,2-dichloro एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसी का नाम है 2,2 क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रिंसिपल चेन चुनेंगे तो 1 और 2 पे दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 2,2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो बोल रहे हैं, ठीक है, 2,2-dichloro एसिटल्डिहाइड। तो ये हम लोगों का पहला रिएक्शन था, फिर लिखेंगे दूसरा यानी कि बी नंबर, ठीक है। बी नंबर का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला होगा PCl5। इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी कि पहला हम लोग देखे हैं क्लोरीन के साथ, दूसरा भी हम लोग देख रहे हैं किसके साथ, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। किसका अभिक्रिया? तो एसिटल्डिहाइड का, यानी कि एसिटल्डिहाइड फिक्स है। अब इस एसिटल्डिहाइड का हम लोग देख पा रहे होंगे किसका साथ अभिक्रिया, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देख लीजिए हम लोग अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, लिखा जाए उसके नीचे एरो देकर, जब एसिटल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जब एसिटल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो
डाइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। डाइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। देख लीजिए, सबसे पहले एसीटल्डिहाइड, तो एसीटल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO, ये रहा हम लोगों एग्जाम्पल में लिखिएगा, ये रहा एसीटल्डिहाइड। इसके साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला PCl5, क्या होता है? PCl5। जब इसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को डाइक्लोरो एथेन बनता है, और डाइक्लोरो एथेन का मतलब क्या? CH3, ठीक है, CH Cl2, ठीक है, ये हम लोगों को क्या है? डाइक्लोरो एथेन है, डाइक्लोरो एथेन। अब डाइक्लोरो एथेन इसका नाम है डाइक्लोरो, क्यों? क्योंकि अगर PC चुनेंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब्टिट्यूएंट है, तो वन और टू, तो वन वन लिखेंगे या वन वन नहीं भी लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो, क्योंकि दो बार क्लोरीन आया है, डाइक्लोरो और दो कार्बन का चैन है तो एथेन, इसीलिए इसको इसको बोल रहे हैं डाइक्लोरो, डाइक्लोरो एथेन, ठीक है, डाइक्लोरो एथेन। तो डाइक्लोरो एथेन बनेगा, और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी कि PO Cl3 बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एसीटल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग बनता है डाइक्लोरोएथेन और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग सी में बात करें, सी में रिएक्शन, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH2OH, ठीक है, NH2OH, जिसका नाम है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, फार्मूला NH2OH। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब एसीटल्डिहाइड को अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, लिखा जाए, जब एसीटल्डिहाइड को अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसीटल डॉक्सिम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसीटल डॉक्सिम, ठीक है, एसीटल डॉक्सिम का निर्माण होता है, एसीटल डॉक्सिम का निर्माण होता है। तो ये है एसीटल डॉक्सिम, तो एसीटल डॉक्सिम का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कि आखिर एसीटल्डिहाइड को अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो इसका फार्मूला, एसीटल डॉक्सिम का फार्मूला क्या होता है? तो इस एसीटल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO, ठीक है, ये है एसीटल्डिहाइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH2OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे बनेगा CH3 रिएक्शन में CH3CH, ठीक है, CH, और इसके साथ हम लोगों को बनेगा NOH। देख लीजिए, हम लोगों को यहाँ पे क्या बनेगा? तो CH3CH NOH, इसी का नाम है दोस्तों क्या? तो एसीटल डॉक्सिम, और हम लोगों को वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा, मतलब H2O
बाहर हो जाएगा। तो यहाँ है हम लोगों को एसिटल डॉक्सिम और बाद बाकी वाटर बाहर हो जा रहा है। तो अभी हम लोग अभिक्रिया को देख रहे थे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। ये एसीटोन जो है वो किस फॉर्म में आता है? ये जो एसीटोन है वो कीटोन के फॉर्म में आता है, कीटोन, ठीक है। तो ये एसीटोन हम लोगों को टॉपिक्स है, ये एसीटोन है और ये एसीटोन किस फॉर्म में आता है? कीटोन में आता है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम लोगों को एसीटोन के बारे में निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका गुण क्या है, इसका अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख पाते हैं इसका, तो देख पा रहे हैं कि हम लोग अब कीटोन को, ये एसीटोन जो है कीटोन के फॉर्म में आता है, ठीक है। चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं, अलग अलग हम लोग इसका भी टॉपिक्स करेंगे, इसका निर्माण देखेंगे, गुण अभिक्रिया, जैसे कि पिछले हम लोग एसिटल्डिहाइड को पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग निर्माण देखते हैं, निर्माण, ठीक है, निर्माण लिखेंगे। निर्माण का फर्स्ट एरो, जब जब टू प्रोपेनॉल ऐसे लिखा जाए, टू प्रोपेनॉल, ठीक है, जब टू प्रोपेनॉल को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, टू प्रोपेनॉल को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो एसीटोन का निर्माण होता है, एसीटोन का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पे कि एसीटोन को अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि ये जो एसीटोन है ये बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल है, हम लोग टू प्रोपेनॉल को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देख लेते हैं टू प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तो CH3, ठीक है, CH और इससे जुड़ा हुआ रहेगा OH और यहाँ पर रहेगा CH3। ये है हम लोगों को टू प्रोपेनॉल। आपको एल्कोहल वाला में सिखाए हैं किसको हम लोग टू प्रोपेनॉल बोलते हैं, प्लस क्या, ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो O2 लिखना पड़ेगा, तो फिर हम लोगों को एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए इससे हम लोगों को क्या बनेगा, तो CH3 डबल बॉन्ड O फिर CH3, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एसीटोन, इसी का नाम है एसीटोन, ठीक है। किस फॉर्म में आता है ये, कीटोन के फॉर्म में आता है, दोनों तरफ से CH3 CH3 और बीच में ऑक्सीजन कार्बन के साथ। तो ध्यान है ना, कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल मूलक के दोनों तरफ कार्बन चैन होता है, उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि हम लोगों को क्या बन रहा है, यहाँ पे एसीटोन बन रहा है, और ये जो एसीटोन है इसके साथ बाद बाकी बाहर क्या होगा, तो H2O, ठीक है, H2O बाहर होगा, यानी एसीटोन बनेगा और वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कीटोन के कैटेगरीज में आता है एसीटोन, उसके बारे में, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब लिखा जाए सेकंड गुण, ठीक है, गुण के बारे में कि आखिर इसका गुण क्या है, ठीक है। तो गुण में लिखेंगे नेक्स्ट एरो, गुण के नीचे एरो देंगे, लिखेंगे एसीटोन के निम्नलिखित गुण है, एसीटोन के निम्नलिखित गुण है। अब एसीटोन का क्या क्या गुण है इसके बारे में हम लोग देखा जाए, लिखा जाए फर्स्ट, यह एक ज्वलनशील पदार्थ है, यह एक ज्वलनशील पदार्थ है, यह एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। ज्वलनशील का मतलब इसे जलाया जा सकता है, ज्वलनशील पदार्थ है। दूसरा लिखेंगे इसका क्वथनांक 329.5 केल्विन होता है,
329.5 केल्विन होता है, 329.5 केल्विन होता है, ठीक है। थर्ड में लिखेंगे, यह जल अल्कोहल और ईथर में विलेय होता है, यह जल अल्कोहल और ईथर में विलेय होता है। फिर लिखेंगे चौथा, यह रंगहीन द्रव है, यह रंगहीन द्रव है, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग इसके गुण के बारे में देख रहे थे, अगले दिन हम लोग एसीटोन के अभिक्रिया में पढ़ेंगे कि आखिर एसीटोन का अभिक्रिया किसके किसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।